छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 277 जोड़ों का पंजीयन किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के 3 निकाह व हिंदू समाज के गायत्री मंत्र द्वारा विवाह को संपन्न कराया गया। वहीं इस योजना के तहत सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़ों को 55,000 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की कन्या विवाह एवं निकाह योजना के तहत 277 जोड़ों का पंजीयन परासिया में हुआ, जिसके तहत पेंच वैली ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय के 3 निकाह और हिंदू समुदाय की बाकी शादियां विधि विधान के साथ हुई। इस कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार नवविवाहित जोड़ों को 55,000 रुपए देगी, जिसमें 11,000 रुपए नगद रहेंगे और बकाया राशि का सामान नवविवाहितों को दिया जाएगा। विवाह संपन्न होने पर सभी नवविवाहित जोड़ों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में SDM व जनपद CEO के साथ शासन प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे कि हमारे पूर्व से पंजीकृत 277 जोड़े थे, उसमें से हमारे 3 जोड़ों का निकाह और 274 जोड़ों का गायत्री परिवार के सौजन्य से विवाह संपादित किया गया। इसमें हमारे 3 मुसलमान जोड़े जिनका निकाह संपादित हुआ। साथ ही इन हर्ष की बात यह है कि जो हमारे 274 जोड़े शेष रह जाते हैं निकाह करते हैं, उसमें हमारे 4 कल्याणी महिलाएं भी थी जिनका हमने पुनर्विवाह इस कार्यक्रम के माध्यम से संपादित किया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।